रागियां सिंघां नूं घट्टो घट्ट 5100 रुपया जिहड़ी है वह एक भेटा होनी चाहिए जो सारे लागू हो। तुसी उहदे विच इनवॉल्व नहीं हो सकते कि सानू 1000 रुपया दवो, असी तुहानू सद्दिया है। रागी सिंघां नूं जो मान सत्कार मिलता है उन्हां दी भेटा मिलती है, उन्हां दे विच तुहाडा कोई नहीं हक बनता इंटरफेयर करन दा। जिथे भी ये इंसीडेंट सानू समझ दिखेगा कि ग्रंथी जी ने इंसल्ट की गई है, उन्होंने धमकी दी गई है गुरुद्वारा साहब तो चको समान तो निकल जाओ, असी मेरे जथे दे समूह मैंबर साहब सिख तालमेल कमेटी असी उत्थे पुज के उन्होंने नाल गलबात करनी करांगे। ई सिंघां नू ग्रंथी सिंघां नू पाठी सिंघां नू सेवादारां नू पूरा माण सत्कार दिता जाए, उन्होंने कोई गलत लैंग्वेज में अपशब्द ना बोलिया जाए। महीने बाद ग्रंथी बदल देंदे ने, ग्रंथी फिट नहीं बहिंदा जी, 3100 रुपया तनखा देंदे ने, 3000 तो 4000 तो वध। इत्थे 1990 तो लै करके तुसी वेख लो कि 3 दहाके हो चले ने, 3 दहाकियां तो एक ग्रंथी एक जगह रहना यह गुरु घर के प्रबंधकों की सुभ है। अखंड पाठ साहब की भेटा भी घट्टो घट 11000 रुपया होनी चाहिए। हुण तुसीं दसो कि 400-500 रुपया तो एक दिहाड़ी लाउण जावे बंदा, उहदी दिहाड़ी दी उहनूं मजदूरी मिल जांदी, शाम नूं अपने बच्चिआं च आ जांदा। गुरु घर दे रागी तां गुरु घर दे ग्रंथी सिंघ तां 24 घंटे गुरद्वारा साहिब विखे रहिंदे ने। हुण मैं समझदा हां कि जे इहनां रागियां नूं गुरु घर दे प्रचारकां नूं असीं इहनां दा बणदा माण ना दित्ता तां आउण वाले समें दे विच शायद सानूं चंगे रागी चंगे ग्रंथी चंगे सेवादार लभणी मुश्किल होवे, क्योंकि अपनी लैन छड़ के तुसीं वेख्या होना कि दलेर महिंदी वर्गे रागी सन रागी सिंह सन, हरभजन मान गुरसेवक मान किन्ने कलाकारां दे मैं नां लवां, उह चंगे चोटी दे उच्च कोटी दे रागी सन, उन्हां नूं बणदा हक नहीं मिलिया उह छड़ के उन्हां ने लैन अडोप्ट कर ली वक्खरी अपनी कर ली लैन कर ली, क्योंकि अपनी लैन छड़ के तुसीं वेख्या होना कि दलेर महिंदी वर्गे रागी सन रागी सिंह सन, हरभजन मान गुरसेवक मान किन्ने कलाकारां दे मैं नां लवां, उह चंगे चोटी दे उच्च कोटी दे रागी सन, उन्हां नूं बणदा हक नहीं मिलिया उह छड्ड के उन्हां ने लैन अडोप्ट कर ली वक्खरी अपनी कर ली लैन कर ली। गुरु घर दे वजीरां दा निरादर हो रहा है, चंगे वजीर हुण लभणे मुश्किल ने, चंगे रागी लभणे मुश्किल ने, पर उहनूं मर्यादा दा कोई पता नहीं हुंदा, गुरु घर दी मर्यादा दा कोई पता नहीं हुंदा। जे एक ग्रंथी सिंह नूं तनखा उह कहिंदा मेरी तनखाह वधाओ ते कमेटी उसे वेले कढ के दूसरा ग्रंथी तैयार है कि इह जे तुसीं इहनूं 10000 ना दिओ मैं 5000 च करन नूं तैयार हां। पूरे वर्ल्ड नूं पता है कि इत्थे आसापूर्ण गुरद्वारा साहिब विखे आ कुछ हो रहा, मैनूं तां थोड़े दिनां तों पता लगा पर बाद विच पता लगा इह तां पूरे देश विदेश विच इस गल दी निंदिया हो रही है। पर जे इत्थे आपस विच नहीं है एक दूजे नाल प्यार रख सकदे तां सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहिब तों थल्ले इह जिहड़ा मसला हल नहीं हो सकदा। अकाल तख्त साहिब दे सकत्तर दे जिहड़े सैकटरी साहिबान ने साडे भाई जसपाल सिंह जी वधीक सकत्तर ने, उहनां नाल वी मेरी गल हुई है, उह कहिंदे वी 3 मैंबरी कमेटी जो भी पड़ताल करके रिपोर्ट भेजेगी श्री अकाल तख्त साहिब नूं उहदे मुताबिक जिहड़ी उह कारवाई कीती जाएगी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੋ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕਿ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
साढ़े दिलों में बड़ी ठेस पहुंची है। हर गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतों के हिरदिया जिन्हें जिन्हें भी सुनया बड़ी ठेस पहुंची है कि गुरु घर की मर्यादा जी भंग हुई है। सानू पता लगा जी इतने आके कि सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब जी के दिशा निर्देशों मुताबिक 3 मैंबरी कमेटी बनी है और मेरी इतने आण के एक मैंबर साहबान के नाल भी गल हुई सरदार कुलवंत सिंह जी मन्नण दे नाल थोड़ा चिर पहला कि उस क्योंकि अकाल तख्त साहब के सकत्र के जोड़े सैकटरी साहबान ने साढ़े भाई जसपाल सिंह जी वधीक सकत्र ने उन्होंने भी मेरी गल हुई है। वो केंद्र भी 3 मैंबरी कमेटी जो भी पड़ताल करके रिपोर्ट भेजेगी श्री अकाल तख्त साहब नूं मुताबक जी कार्रवाई की जाएगी। पर सरदार कुलवंत सिंह जी मन्नण मैंबर श्रोमणी कमेटी जेडे इस मैंबर दे इस 3 मैंबरी कमेटी के मैंबर ने उन्होंने मैनू हुणे मेरी गल हुई कहिंदे जी मेरी नॉलेज विच नहीं है पता नहीं किस उन्होंने एंगल नूं लै करके किस एंगल तो उन्होंने ये गल कही है कि मेरी नॉलेज विच नहीं जदों कि श्री अकाल तख्त साहब तो 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई है। जिहड़ा इहदा मसला हल हो सकदा वो तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान ही कर सकते हैं। जे तो आपस में मिल बैठ करके कमेटियां जिहड़ियां ने अपनी अपनी जिद छड के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं हाजर नाजर जाण के एक हो जाते ने मर्यादा एक कर देंगे ने तो फिर तो कोई गल नहीं श्री अकाल तख्त साहब ते भी जान की लोड़ नहीं। पर जे इत्थे आपस में नहीं है एक दूजे नाल प्यार रख सकते तो सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहब तो थले जिहड़ा मसला हल नहीं हो सकता साढ़े तुहाडे कहण दे नाल मसला हल नहीं हो सकता। तो मैनू तो थोड़े दिन पहले पता लगा जी सोशल मीडिया से गुरमुख प्यारियां ने पाई सी आसा पूर्ण गुरद्वारा साहब नूं लै करके सिख तालमेल कमेटी वालों ज इतों के गुरु घर के वजीरां वालों जो पाई तो मैं भी मन में दुख लगा। मैं तो थोड़े दिनों तो पता लगा पर बाद पता लगा ये तो सूरे पूरे देश विदेश में इस गल की निंदा हो रही है पूरे वर्ल्ड में पता है कि इतने आसा पूर्ण गुरद्वारा साहब विखे आ कुछ हो रहा। देखो जी जो गुरु घर के सेवादार ने ग्रंथी सिंह ने अखंड पाठी सिंह ने सेवादार ने रागी सिंह ने इन्हां तो बिना गुरु घर जिहड़े ने नहीं चल सकते कुछ को जिदबाजी का करके जां कुछ कह लिए कि साढ़े अपने जिहड़े ग्रंथी सिंह ने जे एक ग्रंथी सिंह नूं तनखाह कहिंदा मेरी तनखाह वधाओ तो कमेटी उस वेले कढ के दूसरा ग्रंथी तैयार है कि जे तुसीं इहनूं 10,000 ना दिओ मैं 5,000 च करन नूं तैयार हां पर उहनूं मर्यादा का कोई पता नहीं हुंदा गुरु घर की मर्यादा का कोई पता नहीं हुंदा तां करके साढ़े डाउनफॉल आ रहा है। गुरु घर के वजीरां का निरादर हो रहा है चंगे वजीर हुण लभणे मुश्किल ने चंगे रागी लभणे मुश्किल ने क्योंकि अपनी लैन छड के तुसीं वेख्या होना कि दलेर महिंदी वर्गे रागी सन रागी सिंह सन हरभजन मान गुरसेवक मान किन्ने कलाकारां दे मैं नां लवां उह चंगे चोटी दे उच्च कोटी दे रागी सन उहनां नूं बणदा हक नहीं मिलिया उह छड के उहनां ने लैन अडोप्ट कर ली वक्खरी अपनी कर ली लैन कर ली। हुण मैं समझदा हाँ कि जे इहनां रागियां नूं गुरु घर के प्रचारकां नूं असीं इहनां दा बणदा मान ना दित्ता तो आने वाले समय के शायद सानू चंगे रागी चंगे ग्रंथी चंगे सेवादार लभनी मुश्किल हो गया। साडा यही कहना है जे अज आसापुर का जो मसला चल रहा है पहला तो आप एक ग्रंथी को तनखा नहीं दे सकते और दो ग्रंथियों तनखा दो रागियों को तनखा दे रहे हैं जो आप एक नहीं दे सकते एक वास्ते आप ना करते रहे हूँ पैसा कितों आ रहा सिर्फ इतने ईगो हंकार अपने सिर चढ़ के बोल रहा है होर कोई नहीं लेना देना ना किसी ग्रंथी की हैगी लोड़ ना किसी रागी ना पाठी का कोई लेना देना सिर्फ अपने हंकार वश आ के लोग यह काम कर रहे हैं जबकि जी मैं भी इस लाइन के पहला हैगा सी और हुण मैं भी अपना कारोबार मतलब प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर लिया क्यों किया इस करके क्योंकि कमेटियां कोई कर दी चंगा काम कर दी तो उन्हें शलाघा भी करनी चाहिए है तो साडा भी सारा रागी ग्रंथी का साडा पूर्ण सहयोग है जो भी इन्हों तंगी परेशानी जो भी आ रहा पूरा साथ देवे कुछ कु कमेटियां वालों यह होया पर सारे कमेटियां ने यहोजा नहीं किया कुछ कु कमेटियां जिन्होंने कहते 2-4 प्रबंधक कमेटियां ने बाकी सारे दरवाजे खुले रखे जी आम पब्लिक भी खुले रखे ने तो ग्रंथी सिंह भी दरवाजे खुले रखे ने कुछ एकदा करके सारे प्रबंधकों असं दोषी नहीं ना डरा सकते चंगे प्रबंधक भी गुरु घर के है जो चंगा ख्याल रख रहे हैं पूरी भेटा तक ही मिलनी है जी उन्होंने 1100 रुपया भेटा मिलती 1100 550 रुपया रसीद कट दी जाती गुरद्वारा साहब की
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 400-500 ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਗੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ 3100 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3000 ਤੋਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 3 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਲਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ 3 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਜਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਪਿਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੋਪਿਡ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਮੋਪਿਡ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 70-80,000 ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਕਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਜਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੈਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਗੁੱਟ ਬਣੇ ਹਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
वो जो मसला साढ़े तक पुजा सगा तो ग्रंथी सिंह जी उन्होंने कढ़ देंगे सन। तो कीर्तन भी दो पासे हो रहे हैं, नितनेम साहब भी दो पासे हो रहे हैं, और ये जो असी मसला ये असी वीडियो राही सोशल मीडिया के उत्ते पाना किया, और आप समूह सात संगत ने बहुत सहयोग दिता। आप जी का कोटांकोट धन्यवाद। मैं दास धर्मजीत सिंह ये आप सब प्रबंधक कमेटियां नू हाथ जोड़ के दोनों हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहता हाँ कि पिछे जो हो गया सो हो गया, जो लड़ाई हो रही है गुरु घरां विच उसनू बंद किया जाए, क्योंकि असी संगतां नू जोड़ना है, जो टुटिया भी है उसनू भी अपने नाल जोड़ना है। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी ते असी कर की रहे हैं, असी आपस च झगड़ रहे हैं। जिसने साडे नाल जुड़ना है जां साडी सेवा दे के जुड़ेगा वो टुट जाता है, कहिंदा कि भाई तुहाडे तां मसले अपने ही नहीं सुलझदे। इस करके मेरी बेनती है सब तो पहला प्रबंधक वीरां नूं कि जो तुसी प्रबंध चलाउंदे हो तुहाडे विच सारे गुरसिख वीर होने चाहिए हैं। कोई पतित ना होवे, किसी ने दाढ़ी केस रंगे ना होण, दाढ़ी केस कटाए ना होण, और दूजे नंबर दे उत्ते रागी सिंघां नूं, ग्रंथी सिंघां नूं, पाठी सिंघां नूं, सेवादारां नूं पूरा माण सत्कार दिता जावे। उन्हां नूं कोई गलत लैंग्वेज विच आप शब्द ना बोलिया जाए, उन्हां दा माण सत्कार किया जाए, उन्हां नूं जो उन्हां दी बनदी अपने इज्जत माण है उन्हां नूं दिता जाए। ये मेरा मुद्दा है। जिथे भी ये इंसीडेंट सानूं सामने दिखेगा कि ग्रंथी जी ने इंसल्ट की गई है, उन्होंने धमकी दी गई है गुरुद्वारा साहब तो चको समान तो निकल जाओ, असी मेरे जथे दे समूह मैंबर साहब सिख तालमेल कमेटी असी उत्थे पुज के उन्होंने नाल गलबात करनी करांगे। ये गुरुद्वारा साहब विच बिल्कुल नहीं चलन दिता जाएगा, और मेरी सब नू बेनती है जो असी अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी नू भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी नू और सिख तालमेल कमेटी जी उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती की सी पहली वीडियो विच भी, वो मैं दोबारा हुण फिर भाई साहब भाई जी आए साढ़े को आए हैं भाई भुपिंदर सिंह जी, उन्होंने मैं समूह जथे नू और साडे वीर जी भाई बलदेव सिंह जी, भाई तजिंदर सिंह जी, परदेसी जी, भाई जतेंद्र सिंह जी, मझैल जी सारियां नू बेनती कर रहा हाँ, कीर्तन की भेटा जो रागी सिंह गुरद्वारा साहब विखे कीर्तन की हाजिरी भरते हैं हर रोज़ दो समय 16,000 रुपया नियुक्त की जाए हर गुरद्वारा साहब विखे। ये कीर्तन की भेटा हर रागी सिंह जी को मिलनी चाहिए है, क्योंकि दो टाइम ड्यूटी करते हैं गुरद्वारा साहब हर समय आके वो अपनी हाजिरी लवाते हैं। और ग्रंथी सिंह जी की बनती भेटा 10,000 रुपया की जाए, ये मेरी मंग है। और जो सेवादार जी हैं चौब की सेवा करते हैं गुरुद्वारे की राखी करते हैं उन्होंने 8,000 रुपया सेवा की जाए, ता जो कि गुरुद्वारा साहब विच सानू कई जगह पर इंसीडेंट्स देखने को मिलते हैं। कोई नॉर्मल इंसान जिसनों कुछ नहीं पता आ के गुटका साहब दे अंग साहब पाड़ जाता है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग महाराज नू टच करता पाड़ दिंदा है अंग साहब महाराज दे। ये असी बर्दाश्त तो बाहर है साडे लई, ये असी सहन नहीं करांगे। इसलिए चौबदार की तनखाह वध तो वध लगाई जाए गुरुद्वारा साहब की देखरेख करन, और ये जो इंसीडेंट्स हो रहे हैं इन्हां ठल पाई जाए। और जो मैं होर एक बेनती करनी चाहता हाँ, जो ग्रंथी सिंह साढ़े हिस्सा मार रहे हैं रागी सिंह का जो असी प्रोग्राम कर जाने वो बंद कर दें प्लीज़। रागी सिंह जो मान सत्कार मिलता है उन्हां दी भेटा मिलती है, उन्हां दे विच तुहाडा कोई नहीं हक बनता इंटरफेयर करन दा, तुसी उहदे विच इनवॉल्व नहीं हो सकते कि सानू 1,000 रुपया दवो असी तुहानू सद्या है, नहीं तो यह मुद्दा अकाल तख्त साहब से जाएगा और उन्होंने तनखाइया करार दिता जाएगा। उत्थे जाके जो जथेदार जी उन्होंने तनखा जो उत्थे सेवा बख्शणगे वो उन्होंने करनी पेगी। और मैं एक मुद्दा होर चुकना चाहता हाँ, जो साढ़े प्रबंधक जन 4,100 भेटा संगतों तो लेंदे हैं, 4,100 रुपया 5,500 रुपया, ये जलंधर की मैं घटना दस रहा आप सबनों, प्लीज़ आप ने सुनना करना। 4,100 रुपया साढ़े नॉर्मल रागी सिंघां नूं मिलता है, उहदे विचों 1,100 रुपया रागी सिंघां नूं दिता है कि भाई जी ये तुहाडी माया है 1,100 रुपया, तो ये लैके तुसी घर नूं जाओ।
बाकी जो पैसे हैं वो सानू कमेटी दस सकती है कौन रखता है जा संगत ने सानू भेटा दी कमेटी ने रखी संगत साना सीधी आके रागी सिंह ना गल कर सकती है कि जी ये थानू असी 5500 रुपया दे रहे हैं थोड़ा बट वो तुसी देनी रागी सिंह आके किसी कमेटी मैंबर नहीं देनी किसी ग्रंथी सिंह नहीं देनी जो थोड़े मन में शरदा है तुसी रागी सिंह ग्रंथी सिंह सेवादार जो भी तुसी शरदा ना देना चाहते हो उन्होंने हाथ में देना करो ये जो इंसीडेंस सानू सुनने मिल रहे हैं साढ़े रागी सिंह ये लाइन छड़ रहे हैं साढ़े रागी सिंह इस लाइन तो दूर जा रहे हैं साढ़े ग्रंथी सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि असी अपने बच्चों इस लाइन में नहीं पाना साढ़ा कोई माण सत्कार नहीं है इस करके प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सारे तुसी वीर भैन भरा हो साढ़े प्रबंधक जन तुहानू संगता ने बनाया है संगता के कहते ही तुसी गुरुद्वारा साहिब संभाल रहे हो असी तुहाडे अंडर ड्यूटी करते हाँ बट किसी ने कोई अप शब्द नहीं सुनना ये अज ये ऐलान असी कर रहे हैं जो भी कोई गलत अप शब्द बोलेगा उसते जो बनती कार्रवाई है साढ़े जथे वालों आके की जाएगी इनिया बेनती करता हो मैं दास धर्मजीत सिंह जलंधर तो इतने ही खिमा का जाचक हाँ वादा घाटा बोलिया माफ़ करना किसी लिए कुछ अपशब्द बोले हैं माफ़ करना जी मैं चंगा बोलिया वो अपनी झोली पा लेना कुछ माड़ा बोलिया वो मेरी झोली दे देना प्लीज़ ये जो मैं रिक्वेस्ट की बेनती की है पूरे देश विदेश दियां संगतां नूं बेनती है इसनों आप जी मनना करो और जलंधर नाल दे इलाकियां दे विच जिथे भी ये गलत हो रहा है साढ़े नाल बाह ना बाह मिला के हथ नूं हथ कहिंदे आ ना हथ ना हथ मिला के इस दूर करना करो कि साडे रागी सिंह जुड़न साडी जो न्यू जनरेशन है वो इस विच आ के साडे बच्चे आ के अगे कीर्तन करन ग्रंथी सिंह जी की ड्यूटी करन आ के आसा जी की वार पढ़न अरदास करन हुक्मनामा साहिब लैन साडे बच्चे इधर जुड़न असी किसी नूं टुटन नहीं देना और प्रबंधक कमेटी जनां नूं भी बेनती है कि आप जी पूरा नाल सहयोग दवो साडा कोई भी पाठी रात नूं एक एक दो दो बजे मैं अखी देखदा हाँ मेरे दोस्त हैं सब जलंधर की मैं गल कर रहा हाँ धक्के खाते है रास्ते उन्होंने डॉग जिन्हों असी कुत्ते कहने वह भौंकते हैं उन्होंने सानू तरस नहीं आता उन्होंने कि 150 रुपये के 175 रुपये के धक्के खा रहे हैं उन्होंने 500 रुपया एक ड्यूटी का मिलना चाहिए वाहेगुरु जी की फतेह एक बचन मैं होर करना चाहता आप समूह सात संगतां दे नाल और प्रबंधक जनां दे नाल शहीद बाबू लाल सिंह नगर की समूह कमेटी मैंबर